Students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now, today we are going to learn about combustion. So, combustion क्या है? Combustion एक chemical process है in which combustible substance जो कि combustible है, जिन पे आग लग सकती है, वो किसके साथ react करते हैं? Oxygen के साथ. और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. कैसी वे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? जिसमें हीट और लाइट होती है ना, जो भी चीज़ें जलती है उसमें एक लाइट दिखती है हमें. एंड वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. अब ये जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो कंबस्टन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. तो यहाँ पे भी हीट और लाइट जो है वो रिलीज होती है. सब्सटेंसेस दैट गो अंडरगोज कंबस्टन, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कंबस्टन हो सकता है उसे फ्यूल कहा जाता है. फ्यूल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जैसे सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल ले हम तो कोल, लिक्विड में पेट्रोलियम, गैस में एलपीजी जो हमारे घरों पे गैस यूज़ की जाती है. तो द लाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन ऑकर्स इज अ फ्लेम. तो जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो लाइट दिखती है कंबस्टन रिएक्शन की, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं. यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो. कोई भी फ्यूल उसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वो HO2+ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और हीट को भी रिलीज करेगा. देन कंबस्टन जो है वो बहुत वर्ल्ड में एनर्जी का यूजेस उसका बहुत ज़्यादा है. मतलब हमारी लाइफ में कंबस्टन बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोल की वजह से गाड़ी चलती है आपकी, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंबस्टन. कंबस्टन रिएक्शन मस्ट ऑकर बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल. तो कंबस्टन रिएक्शन किस के बीच में होता है? ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में. प्रोडक्ट्स में वेराई डिपेंडिंग अपॉन इनकम्प्लीट टू कम्प्लीट कंबस्टन. और प्रोडक्ट जो कि इनकम्प्लीट और कम्प्लीट कंबस्टन में वेराई करता है कि प्रोडक्ट क्या है. इनकम्प्लीट कंबस्टन कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन नहीं होता या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है. और कंप्लीट कंबस्टन कब होता है? जब ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है. सी हियर कंप्लीट कंबस्टन जहाँ पे क्लीन बर्निंग विदाउट एनी स्मोक. जब बर्निंग क्लीन होती है वहाँ पे स्मोक नहीं होती, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होती है. एंड स्मोकी बर्निंग. यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन आप देख सकते हैं. इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या हो रहा है? बर्निंग जो है उसकी स्मोक्स निकल रही है, धुआं निकल रहा है. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है इसीलिए इसमें से स्मोक निकल रहा है और दिस इज इनकम्प्लीट कंबस्टन. नाउ कंबस्टन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है. स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट प्रपल्शन, इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन, होम हीटिंग एंड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कंबस्टन टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी कंबस्टन का यूज़ किया जाता है. और बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि गैस टर्बाइन्स एंड जेट इंजन्स में यूज़ किया जाता है. गन्स एंड एक्सप्लोजिव्स में यूज़ किया जाता है. फर्नेंस एंड बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है. फ्लेम सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, केमिकल प्रोसेसिंग, कार्बन ब्लैक रेसिड्यू, फॉर्मिंग ऑफ मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स फॉर्म करने के लिए, फायर हैजर्ड्स और सेफ्टी के लिए भी यूज़ किया जाता है. नाउ कंडीशंस ऑफ कंबस्टन. कंबस्टन के लिए क्या क्या कंडीशन होना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें होगी तभी कंबस्टन होगा. तो इन एक्टिविटी 5.2 वी सो दैट, हमने पहले भी पढ़ा था कि कंबस्टन के लिए एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न नहीं होता, क्योंकि कंबस्टन जो है एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. वो केमिकल रिएक्शन किसके साथ होती है? विथ ऑक्सीजन. थस देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर कंबस्टन. तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है, ज़्यादा नहीं, तीन कंडीशंस है, सिर्फ तीन चीज़ें ज़रूरी है जिसकी प्रेजेंस में कंबस्टन हो सकता है. तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब फ्यूल का होना ज़रूरी है. ठीक है, जो चीज़ जलने वाली है वो होना ज़रूरी है. फ्यूल जैसे कि वुड, पेपर, कॉल, कुछ भी जो भी कंबस्टिबल हो वो सब्सटेंस कंबस्टन के लिए ज़रूरी है.
और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए. तो द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, तो कंबस्टन का सपोर्टर क्या है, ऑक्सीजन है. इन अनदर कंडीशन फॉर कंबस्टन टू टेक प्लेस, ऑक्सीजन इज द एयर, इन द एयर जो है इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. हीट होना ज़रूरी है, हीट के बिना कंबस्टन नहीं हो सकता. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी हीटेड, उसे हीट करना है हमें, तो ही वो कंबस्टन हो पाएगा. इसी तभी वो जो इग्निशन टेम्परेचर है उस पर पहुँच पाएगा. नो सब्सटेंस कैन बर्न बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और कोई भी चीज़ अपने इग्निशन टेम्परेचर के नीचे जो है वो बर्न नहीं हो पाती. तो मेन जो थ्री रिक्वायरमेंट्स है कंबस्टन के लिए वो क्या है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल. तो सबसे पहला फ्यूल, देन हीट, देन ऑक्सीजन. इन तीनों चीज़ों के बिना कंबस्टन नहीं हो सकता. तो बाय वॉल्यूम एयर कंटेंट्स 21% ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम एयर का जो वॉल्यूम देखें उसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन है जो कि कंबस्टन के सपोर्ट के लिए है. बट 78% नाइट्रोजन है जो कि कंबस्टिबल भी नहीं है और कंबस्टन का सपोर्टर भी नहीं है. हैंस कंबस्टन सब्सटेंसेस बर्न एट मॉडरेट रेट इन द एयर. तो एक मॉडरेट रेट, नॉर्मल रेट में बर्न होता है. बट एट वेरी फास्ट रेट इन ऑक्सीजन, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो बर्निंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. नाउ टाइप्स ऑफ कंबस्टन, तो कंबस्टन के टाइप्स देख लेते हैं. तो कंबस्टन जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, रैपिड कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन. तो सबसे पहले हम रैपिड कंबस्टन देखेंगे. तो रैपिड कंबस्टन कब होता है, जब कोई भी सब्सटेंस रैपिडली बर्न होता है एंड हीट और फ्लेम प्रोड्यूस करता है, दैट इज रैपिड कंबस्टन. यहाँ पे रैपिड कंबस्टन में एक्सटर्नल फोर्स होता है. फॉर एग्जांपल आप गैस ऑन करते हो घर पे, तो आप पहले लाइटर से ऑन करते हो ना गैस, या आप जब गैस ऑन करना चाहते हो तभी गैस ऑन होता है. ठीक है, ऐसे ही गैस पड़े पड़े आग नहीं लग जाती उसमें, तो दैट इज रैपिड कंबस्टन. एग्जाम्पल्स ऑफ रैपिड कंबस्टन आर नेचुरल गैस, LPG, पेट्रोल, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक एंड मैग्नीशियम रिबन. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. रैपिड कंबस्टन यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन सम फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल हीट इज अप्लाइड, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हीट उस पर अप्लाई की जाती है, तभी रैपिड कंबस्टन होता है. सब्सटेंसेज विच को अंडरगो रैपिड कंबस्टन हैव लोअर इग्निशन टेम्परेचर. तो जो रैपिड कंबस्टन वाले जो सब्सटेंसेज है उनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है. ठीक है, उसमें ऐसे ही आग नहीं लग जाती रिएक्ट करके, बट उसे एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. नाउ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, व्हेन अ सब्सटेंस सडनली स्टार्ट्स बर्निंग, जब कोई सब्सटेंस सडनली बिना किसी फोर्स के बर्न होना स्टार्ट हो जाता है इनटू अ फ्लेम विदाउट द सप्लाई ऑफ एनी एक्सटर्नल हीटिंग, द कंबस्टन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. तो उसे क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. सब्सटेंसेज विच को अंडरगो स्पॉन्टेन, जिस सब्सटेंसेज जो सब्सटेंसेज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन वाले होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, दे हैव लोअर इग्निशन टेम्परेचर. सम नोटेबल एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स में है फॉस्फोरस एंड सल्फर, जो कि इंस्टेंटली रूम टेम्परेचर पे भी बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं. और हेयर स्टिक वगैरह, लिंसिड ऑयल, कोल, पैरेट स्टार्ट बर्निंग सडनली. तो ये हेयर स्टिक वगैरह का एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं कि खेतों में जो आग लग जाती है बहुत बार, ठीक है, जो चारा पड़ा होता है गर्मियों में धूप या हीट के कारण उनमें आग लग जाती है. उन्हें बाहर से हमने कुछ फोर्स देके या हमने उसे मैच स्टिक से नहीं जलाया, बट कि वो मन से जल गया, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. इन कोल माइंस फायर ब्रेक आउट मैनी टाइम्स, तो कोल माइंस जो होती है जहाँ पे बहुत सारा कोल होता है वहाँ पे भी फायर ब्रेक आउट हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ कंबस्टन ऑफ कोल डस्ट, कोल डस्ट में कंबस्टन हो जाता है वहाँ पे भी, बिकॉज ऑफ हीट या बिकॉज ऑफ जो सन होता है इसलिए. फॉरेस्ट फायर ऑफन ब्रेक्स आउट, फॉरेस्ट फायर के बारे में भी हमने बहुत सुना है. फॉरेस्ट फायर बहुत बार हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर हो रहा है. तो फॉरेस्ट फायर भी किस वजह से होता है, टेम्परेचर ऑफ सन और फ्रिक्शन की वजह से जो है फॉरेस्ट फायर होता है. देन एक्सप्लोजन, व्हेन कंबस्ट
इज अकम्पनीड बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट. कंबशन और हीट दोनों साथ में होता है. सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट, सडनली हीट साउंड, दोनों साथ में होते हैं. एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है वो रिलीज होते हैं, इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. जैसे कि फायर क्रैकर्स एंड बॉम्ब्स आर सडन सब्सटेंसेस विज एक्सप्लोड. क्या होता है, जब बॉम्ब फेंकते हैं तब एकदम से एक साउंड आता है सडनली, और बहुत सारा धुआं दिखाई देता है हमें, गैस दिखाई देती है, और आसपास बहुत सारी हीट हो जाती है, तो दैट इज एक्सप्लोजन. नाउ अंडरस्टैंड ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन्स ऑफ द फ्लेम. तो फ्लेम के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्लेम क्या होती है, तो फ्लेम के डिफरेंट जोन्स है. तो नाउ इन द वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन्स ऑफ अ फ्लेम. इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? अ कैंडल फिक्स्ड ऑन अ वुडन स्टैंड, अ ग्लास रॉड, थिन कॉपर वायर और रॉड, मैच बॉक्स. फर्स्ट लाइट द कैंडल. कैंडल जलाएंगे. नाउ होल्ड द कॉपर वायर विद द हेल्प ऑफ द टोंग्स एंड टेक वन ऑफ इट्स एंड्स क्लोजर टू द येलो फ्लेम ऑफ द कैंडल. अब कॉपर वायर का एक एंड लेके और हम उसे फ्लेम का जो येलो पार्ट था उसके पास ले जाएंगे. तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? द वायर स्टार्ट्स बर्निंग क्विकली एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक कलर्ड स्मोक. डू यू सी द एंड ऑफ द कॉपर वायर टर्निंग ब्लैक? नाउ रिवर्स द पोजिशन ऑफ द वायर, टेक द अदर एंड and bring it closer to the blue flame of the candle. What do we observe? Is there some black colored material coming out? Do you observe? जब आप उस ही सेम कॉपर वायर के डिफरेंट एंड को ब्लू कलर्ड फ्लेम के पास ले जाते हो, जो कि सबसे नीचे वाला फ्लेम का हिस्सा है, वहाँ पे कोई ब्लैक कलर्ड मटेरियल या ब्लैक कलर्ड फ्यूम्स आपको दिख रही? नहीं दिख रही. बिकॉज कि जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है वो कैसा है? नॉन ल्यूमिनियस है, वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही. द वायर हैज इट टर्नड एज ब्लैक एज इट्स अदर एंड? No. The end of the wire, which was taken closer to the yellow part of the flame, quickly turns black, as this part of the flame is the hottest zone. End of the wire, which was taken closer to the blue zone of the flame, did not turn so black. And did not produce black sooty material, as blue zone of the flame is not as luminous. Let us repeat the activity with a glass rod. Take a glass rod. Let its one end be closer to the yellow part of the flame. Do you observe the quick black sooty material being produced and the glass rod turning black? This shows the yellow part of the flame. Take the other part of the glass rod closer to the blue flame.
Are we observing any quick change? No. There is no black colored material collected onto this end of the glass rod. This shows that the blue zone of the flick. Now, हमने ये एक्टिविटी से क्या सीखा? हमने देखा कि जब ग्लास रॉड को भी येलो फ्लेम के पास ले गए हम, तो वहाँ पे भी एक ब्लैक कलर मटेरियल प्रोड्यूस हुआ. एंड जब उसे हम नॉन ल्यूमिनियस जोन में ले गए, ब्लू फ्लेम के पास ले गए, तो वहाँ पे भी ब्लैक कलर मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ. सो हियर व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जो सबसे ज़्यादा हीट वाला जोन है दैट इज़ येलो जोन, और जहाँ पे लोअर हीट होती है जो कि नॉन ल्यूमिनियस है दैट इज़ ब्लू जोन्स. तो देर आर डिफरेंट जोन्स ऑफ ए पर्टिकुलर और अ सिंगल फ्लेम. आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.